हेलो एंड वेलकम टू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम फॉर्म्स ऐप का यूज़ करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम इस ऐप का यूज़ करके अपने स्कूल कॉलेज के लिए पेपर कैसे सेट कर सकते हैं, हम इसमें पेपर कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको फॉर्म्स ऐप लिखना है। जैसे ही आप फॉर्म्स ऐप लिखते हैं, ये हमारा प्ले स्टोर है, हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पर सर्च बार में फॉर्म्स ऐप हमने लिखा है। यहाँ पर जैसे ही फॉर्म्स लिखते हैं यहाँ से आइकन दिखने लगेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और इस आइकन को हमें डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल करते ही ये ओपन का साइन आएगा, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जी यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ क्विजेस बनाए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, तो हम अभी देखेंगे नया क्वेश्चन पेपर कैसे क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो आपको नया क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले हमने सिंपली यहाँ क्लिक किया, इसके बाद हमारे पास दो आइकन्स दिख रहे हैं हमें, पहला है फॉर्म्स का, दूसरा है क्विज का। हम क्विज वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पे कई सारे फॉर्म्स दिखने लगे जो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको एक क्रिएट ब्लैंक क्विज पे क्लिक करना है और यहाँ से जाके अपना खुद का एक क्विज क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जैसे ये हमने क्लिक किया, यहाँ पे टाइटल आ गया। अब यहाँ पे हम टाइटल लिख सकते हैं, जो भी आपका टाइटल होगा, ये स्कूल का मैंने नाम लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास, किस क्लास के लिए बना रहा हूँ, जैसे ये क्लास 6 हो गई। अब इसके साथ मैं यहाँ पर सब्जेक्ट भी लिख देता हूँ, सब्जेक्ट नेम जैसे कि मैथ के लिए हो गया। ऐसे ही अब हम यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके न्यू क्वेश्चन यहाँ से हम क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने इस आइकन पे क्लिक किया तो हमारे पास पांच ऑप्शंस आ गए। पहला है शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस, ड्रॉप डाउन और ऐड सेक्शन। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर्स पे सबसे पहले देख लेते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग आंसर दोनों सेम है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर देंगे और क्वेश्चन टाइप करने के बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे कि ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए मार्क्स सेट कर देंगे कि इस क्वेश्चन को हम कितने मार्क्स देना चाहते हैं। इसके बाद आप डन करके कहीं पर भी टैप करेंगे तो ये क्वेश्चन क्रिएट हो चुका होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, ये शॉर्ट आंसर बनाया। ऐसे ही हम लॉन्ग आंसर भी क्रिएट कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर के लिए भी सेम प्रोसेस है। यहाँ जाएंगे, यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन टाइप कर देंगे, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, और इसके बाद आप यहाँ पर इसका आंसर भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आंसर टाइप करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर मार्क्स सेट करके, मान लीजिए लॉन्ग आंसर है तो हम इसके लिए 5 मार्क्स दे रहे हैं, इसका हमने टाइप किया तो ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम इसमें बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमको किस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ शॉर्ट आंसर्स दिख रहा है, यहाँ पर ये जो दो एक पेज जैसा एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते ही ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कॉपी होकर वापस हमारे सामने आ गया। इसके बाद जो इसके राइट साइड वाला ऑप्शन है, आइकन है, ये डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते ही जो भी हमने क्वेश्चन क्रिएट किया है ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही मैंने बनाया था ताकि मैं आपको डिलीट करना सिखा सकूँ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन डिलीट हो गया। तो अब चलिए हम अगला ऑप्शन देखते हैं, शॉर्ट आंसर हो गया, लॉन्ग हो गया, मल्टीपल चॉइस देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस में एक पेपर क्रिएट करेंगे, तो मैं इसको पूरा क्रिएट करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से विषम संख्या नहीं है। अब आपको यहाँ पर हमने ये टाइप कर दिया, हम यहाँ पे देखना है कि इनमें से कौन सा है जो विषम संख्या नहीं है। तो हमको यहाँ पर संख्या लिखनी है, हमने यहाँ पे लिख दिया 54, यहाँ हम लिख देते हैं 17 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम कोई सी भी जो भी आप नंबर्स लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया 7। तो अब इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो विषम संख्या नहीं है, तो क्या है विषम संख्या नहीं है, वो है 54, क्योंकि एक सम संख्या है तो ये करेक्ट आंसर हो गया। अब इस आंसर का हमको कितना नंबर देना है बच्चों को, वो नंबर हमने सेट कर दिया 2 मार्क्स, डन करके जैसे ही आप टैप करेंगे क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, कि कैसे हम मल्टीपल चॉइस में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे निम्न में से सम संख्या है, अब इनमें सम संख्या कौन सी है, इसके लिए आप यहाँ पे ऑप्शंस आ गया। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे,
ठीक है, तो इनमें से कौन सी संख्या सम है, जो सम है हम इस पर राइट का निशान लगाते हैं, ग्रीन मार्क आ जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन आंसर हो गया इसका। हम इसको डन करके फिर से टाइप करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई से भी कितने भी क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही अगला एक और ऑप्शन है ड्रॉप डाउन का। अब जैसे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हमको सेम प्रोसेस वही है, यहाँ पर भी हमको क्वेश्चन ही लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 55 से 5 को विभाजित करने पर भागफल क्या आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे इसके ऑप्शंस में ऑप्शंस दे देते हैं। ठीक है, तो हम 55 की जगह हम यहाँ पे 5 से 55 को करेंगे, है ना। 5 से 55 को विभाजित करने पर भागफल क्या है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 10, बी ऑप्शन में हम दे देंगे 11, ऐसे ही सी ऑप्शन में हम दे देते हैं 8, और डी ऑप्शन में हम दे देते हैं 9, 6। तो इनमें से कौन सा सही है, तो हमें पता है 11 है, तो इसके लिए हमने इसको करेक्ट कर दिया, यहाँ पे इसके नंबर सेट कर दिए, डन करके कहीं भी टैप कर देंगे, क्वेश्चन हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट हो गए। ऐसे ही इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है ऐड सेशंस, तो हम यहाँ पे ऐड सेशन लगा सकते हैं। जैसे हमने पेपर में देखा होगा खंड ए, खंड बी, खंड सी करके आते हैं, तो ऐसे ही हम यहाँ पे सेशन में डिवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेशन बी डाल करके यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन डाल करके लिख देते हैं। जैसे खंड बी है तो इसके लिए हम लिख देते हैं शॉर्ट आंसर्स है ये, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये यहाँ पे सेशन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस सेशन के अंदर आप क्वेश्चन भी वही शॉर्ट आंसर है, तो हम शॉर्ट वाले ही टाइप करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करेंगे आप, जैसे हम पूछ लेते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन टाइप कर दिया, इसका आंसर भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे। वह संख्या जो स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने इसका आंसर फीड कर दिया। अब इसके लिए हम यहाँ पर मार्क्स भी दे देते हैं, 3 मार्क्स काम कर दे रहे हैं, डन करके यहाँ पे ओके करेंगे तो क्वेश्चन फीड हो गया। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन सी होती है, यहाँ पे पूछा गया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कौन सी होती है, जो भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेशन वाइज डिवाइड करके या बिना सेशन के भी आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर क्रिएट हो गया। अब इसका प्रीव्यू कैसा आता है, तो हम चलिए इसका एक बार व्यू देख लेते हैं कि हमें कैसा दिखेगा जब हम पेपर करने जाएंगे तो बच्चों को कैसा दिखेगा ये। यहाँ पर हम एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले स्कूल का नाम, क्लास, सब्जेक्ट, फिर स्टार्ट बटन आया है, यहाँ पर हम क्लिक करते ही इसमें हमको अपना नाम डालना होगा, जो भी स्टूडेंट होगा वो अपना नाम डालेगा और स्टार्ट क्विज पर क्लिक करेगा तो क्विज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने सेशन डिवाइड किया था तो सेशन बी शॉर्ट आंसर है, तो यहाँ पे भी सेशन बटा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी होगा हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, ऐसे ही इसके बाद सबमिट कर देंगे तो ये हमारा आंसर जो होगा क्या सबमिट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये प्रीव्यू वाला ऑप्शन है। अब हम आते हैं थीम्स पे। तो जैसे हमने अभी देखा कि हमारा जो पेपर है वो बिल्कुल सिंपली वाइट कलर का आ रहा है, हमको इसमें और भी कलर्स ऐड करने हैं। जैसे ये थीम्स हम ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी थीम्स लगा करके हम क्वेश्चन पेपर को सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एजुकेशन वाला थीम लेता हूँ, तो यहाँ पे हम ये थीम लेते हैं। ये देखिए यहाँ का जो बैकग्राउंड है पूरा चेंज हो गया है, तो ये थीम्स आएगी। इसके अंदर हम फिर से अगर जाएँ तो क्विज़ के अंदर भी थीम चेंज होगी, तो अब ये देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो हम इसलिए थीम्स इसमें डाल सकते हैं ताकि बच्चों को भी अच्छा लगता है देखने में, तो थोड़ा इंटरेस्ट आता है इसको करने में। ठीक है, तो ये आप यहाँ से थीम्स लगा सकते हैं। इसके बाद हम सेटिंग में जाएं, तो यहाँ से हम सबसे पहला ऑप्शन है चेंज थीम, जो हमने अभी किया शो लोगो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमने अपना लोगो बनाना है, जो भी यहाँ पे हमको सेव करना है, जो भी हम फोटो सेव करते हैं लोगो, वो लोगो आ जाएगा और वो वहाँ पर शो होगा जब पेपर स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको नहीं करना तो आप यहाँ पर डन करके यहाँ से इसको हटा सकते हैं। ठीक है, वेलकम पेज क्या है, जब हमने क्विज स्टार्ट की तो स्टार्ट बटन आया है, उस स्टार्ट की बटन की जगह आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ गो लिखते हैं तो वहाँ गो लिखा हुआ ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ से इसको स्टार्ट ही रहने देना, ये स्टार्ट लिखा हुआ आएगा। इसके बाद यूज़र नेम, यूज़र इन्फॉर्मेशन,
यानी कि जब हमने क्विज स्टार्ट किया तो हमने स्टूडेंट का नाम भी पूछा था उसमें, है ना। हमने अभी नाम डाला, हम नाम के साथ ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी वहाँ पर कंपलसरी करके वहाँ पर मांग सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये डिटेल्स भी आ जाएंगी। हम चाहें तो सिर्फ ईमेल आईडी से करा सकते हैं, सिर्फ फ़ोन नंबर से करा सकते हैं, ठीक है। वैसे नाम कंपलसरी है, नाम तो रखना ही है, नाम के साथ ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर का भी ऑप्शन भी आप क्लिक कर सकते हैं। ड्यूरेशन अगर हम बात करें कितने देर का पेपर होगा, तो हम यहाँ पे एक घंटा, डेढ़ घंटा या ढाई घंटा, जितना भी हम टाइम सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं। अलाउ मल्टीपल अटैम्प्ट्स, तो इस सेटिंग्स में जाकर के आपको, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट एक से ज़्यादा अटैम्प्ट करके उस पेपर को सही कर करे, तो इसके लिए आप अलाउ मल्टीपल अटैम्प्ट्स पे क्लिक कर सकते हैं, वरना आप इसको खाली छोड़ देंगे। सो क्विज रिजल्ट, क्विज़ में कैसा परफॉर्मेंस रहा बच्चे का, स्टूडेंट्स का, उसको ये बताने के लिए हम इस पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि वो पेपर सबमिट करते ही उसको एक रिजल्ट भी मिल जाएगा, जिससे उसको पता चल जाएगा कि कितने उनके मार्क्स आए हैं, कितने क्वेश्चन सही थे और कितना परसेंट उनके मार्क्स आए, ठीक है। ऐसे ही आप इन ऑप्शंस को यूज़ करके पेपर को और भी क्रिएटिव बना सकते हैं। सो करेक्ट आंसर्स, इस ऑप्शन को क्लिक करके हम बच्चों को ये भी पता चल जाएगा फिर क्विज करने के बाद कि करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो इसको आप अनटिक ही रहने देना, अनक्लिक ही रहने देना, जिससे कि बच्चे चीटिंग ना कर सकें, ठीक है। तो ये हमने सेटिंग इसकी कंप्लीट कर ली। वैसे जनरली यहाँ पर सारी सेटिंग्स पहले से ही खुद ही करी हुई आती है, तो इसमें हमको जाकर के खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप टाइमिंग वगैरह यहाँ से जाकर के चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे ये, हमें यहाँ पर नाम के साथ अगर नंबर ईमेल चाहिए तो हमें ये ले सकते हैं, या फिर ड्यूरेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी सारी सेटिंग्स यहाँ पे पहले से ही जनरली खुद अच्छी तरीके से सेट की हुई हैं, तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगला ऑप्शन जो हमारा है सबमिट का है, तो यहाँ पर हम जाते ही जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे, ये हमारा पेपर जो है वो सबमिट हो गया है फॉर्म्स ऐप पे, और सबमिट होते ही हमको एक लिंक आ गया, ठीक है। इस लिंक को हमें कॉपी करना है और हम जहाँ भी, जैसे भी अपने स्टूडेंट्स से कनेक्टेड हैं उनके पास जाएंगे, उनको मेल या जो भी आप व्हाट्सअप वगैरह जैसे भी करना चाहो, वहाँ जा कर के इस लिंक को पेस्ट करके सेंड कर सकते हैं। जैसे ही हम सेंड करेंगे बच्चों के पास ये लिंक पहुँच जाएगा, फिर वो लिंक के थ्रू पेपर को सबमिट करें, पेपर अटैम्प्ट करेंगे और अटैम्प्ट करने के बाद उसको सबमिट करेंगे तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म्स ऐप का यूज़ करके पेपर्स क्रिएट करके आसानी से बच्चों से पेपर करा सकते हैं। इसमें आपको पेपर चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, पहले पेपर सेट करते समय ही हमने आंसर सेट कर दिया, खुद ब खुद चेक करके कितनी परसेंटेज नंबर आए, कितना नंबर आया, इस सभी चीज़ों की एक एक्सेल शीट तैयार करके हमको ये डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है, तो इस तरीके से हमारा बहुत समय बचता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए।